पिपलानी थाने के दो पुलिसकर्मियों की ईमानदारी की तारीफ हो रही है। दोनों पुलिसकर्मियों ने सड़क पर मिले 31,500 रुपए के नोटों की गड्डी को उसके असली मालिक को 3 दिन में तलाश कर पैसा लौटाया। पिपलानी थाने में पदस्थ आरक्षक नरेंद्र सिंह चौहान और दिव्यांशु द्विवेदी की 4 दिसंबर की रात मिनी FRB में ड्यूटी थी। रात करीब 11 बजे दोनों सोनागिरी प्वाइंट की तरफ पेट्रोलिंग के लिए निकले। वह पिपलानी पेट्रोल पंप के पास पहुंचे ही थे कि सड़क किनारे नोटों की गड्डी पड़ी दिखी। दोनों ने गड्डी के नोटों की गिनती की, उसमें 31,500 रुपए मिले। पुलिसकर्मियों ने मालिक की पहचान के लिए ITMS के कैमरे खंगाले, जो बंद मिले। आसपास की दुकानों के कैमरे देखे, लेकिन नोटों के मालिक का पता नहीं चल सका। ऐसे में थाना प्रभारी अजय नायर को सूचना देकर पैसा थाने में रख दिया गया। आरक्षक नरेंद्र बताते हैं कि 2 दिन तक किसी ने संपर्क नहीं किया। ऐसे में उन्होंने जिस जगह पैसे मिले उसके पास की दुकानों ठेलों वालों को मोबाइल नंबर देकर उन्हें बताया कि कोई व्यक्ति यदि पैसा गुमने के बारे में जानकारी दे तो तुरंत पुलिस को सूचना दे। 7 दिसंबर की सुबह नरेंद्र के पास फोन आया। कॉलर ने अपनी पहचान बलिया UP निवासी 70 साल के श्रीनाथ प्रसाद के रूप में बताई। श्रीनाथ ने बताया कि वह रिटायर्ड टीचर हैं। भोपाल के रजत नगर में रहने वाले भाई की बेटी की शादी के लिए यूपी से भोपाल आए थे। 4 दिसंबर को वह अमरूद खरीदने पिपलानी इलाके आए, तभी जेब से पैसे गिर गए। तस्दीक करने के बाद पुलिस ने उन्हें गुरुवार को थाने बुलाकर पैसे लौटा दिए। रिटायर्ड शिक्षक ने MP पुलिस की सराहना करते हुए धन्यवाद दिया। श्रीनाथ प्रसाद ने बताया कि वह 32,000 रुपए के नोटों की गड्डी लिए थे। अमरूद खरीदने के लिए 500 रुपए की एक नोट गड्डी से निकाली। इसके बाद गड्डी को उन्होंने अपनी जैकेट के अंदर के जेब में रखा। श्रीनाथ ने बताया कि एक हाथ में पैरालिसिस होने की वजह से गड्डी जेब में नहीं गई, वह सड़क पर गिर गई। अमरूद खरीदने के बाद वह भाई के घर चले गए, फिर मंडी दीप तिलक लेकर चले गए। व्यस्तता की वजह से 4 दिसंबर को उन्होंने जेब चेक नहीं किया। अगले रोज देखा कि पैसे गायब मिले। पहले लगा कि किसी ने जैकेट से चोरी की होगी। बाद में जिस जगह अमरूद खरीदा था वहां पहुंचा ठेले वालों ने पुलिस कर्मियों से संपर्क कराया। मेरा नाम श्रीनाथ प्रसाद, पिता श्री स्वर्गीय काशीनाथ प्रसाद है। मैं यहाँ शादी में अपने भाई के यहाँ आया था। मैं जान खरीदने के लिए गया और वहाँ पैसा निकाला, 500 रुपये की नोट, वो अमरूद पीना और गड्डी जो भीतर रखा हुआ जो है नीचे गिर गई। हमको मालूम नहीं हुआ 4 तारीख को, और 4 तारीख को मेरे भतीजी की तिलक था, मंदिर एक गए वहाँ देखे कि पैसा नहीं है। वहाँ पता चला हम 5 को सोए हुए थे, मैंने 6 को मैंने आए, फिर जान वाले से पूछे कि अरे हमारे पैसा यहाँ गिरा है। तो कहा है कि पुलिस वाले नरेंद्र सिंह चौहान और दिव्यांशु द्विवेदी जो हैं मोबाइल नंबर दे दिए हैं, जिनका पैसा अगवा था, मेरा पैसा था। मैंने संपर्क किया उन लोगों से और आज जो है थाने में पैसा हमको।